तो किसका होगा राज तिलक? जी हां, 2022 के नतीजों से पहले आखिरकार संकेत क्या मिल रहे हैं? नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन आकलन किया जा रहा है धरातल पर कि आखिरकार बन रही है किसकी सरकार। वोट प्रतिशत से लेकर तमाम तरह के मुद्दे और बहस और चर्चा इस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स पर चल रही है कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है, किस पार्टी ने कैसा चुनाव लड़ा है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भीतर इस वक्त चल क्या रहा है। दरअसल ग्राउंड जीरो पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची। हम लगातार उन जगहों पर पहुंचे जहां चुनावी समीकरण सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करते थे। हमने उत्तराखंड में खटीमा से लेकर हरिद्वार तक का रास्ता तय किया। खटीमा की उस विधानसभा सीट से लेकर लालकुआं तक न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची। ऐसे ही न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम गोरखपुर भी पहुंची, कुशीनगर भी पहुंची और पूर्वांचल के उन हिस्सों का भी दौरा किया जहां से संकेत साफ था कि आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आज विश्लेषण उसी का करेंगे कि 10 मार्च को आखिरकार जो चुनावी नतीजे आने हैं उससे पहले धरातल पर हमारी टीम ने क्या देखा, हमने किन मुद्दों को जनता के बीच सुना, महसूस किया और धरातल पर यह समझने की कोशिश की कि आखिरकार चुनावी नतीजे संकेत और संदेश क्या दे रहे हैं। आंकड़ों की जुबानी और कुछ तस्वीरों के आधार पर आज हम इस कार्यक्रम को आपके बीच में लेकर आए हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जो लगातार आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर किस तरह से उन मुद्दों को टटोल रहे हैं जिन मुद्दों के सहारे सत्ता बनने और हिलने जा रही है। हमारे साथ हेमंत हमारे सहयोगी पूर्वांचल से जुड़े हैं, सुभाष गौड़ उत्तराखंड से जुड़े हैं देहरादून से, साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में हरीश एसवाल जी मौजूद हैं जो कि खुद ग्राउंड जीरो पर थे, एडिटर इन चीफ हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के, जिन्होंने देखा, समझा और महसूस किया। लेकिन महसूस क्या किया, आज उसी का हम जिक्र करेंगे, किन मुद्दों को आखिरकार जनता ने देखा, समझा और उत्तराखंड में क्या चल रहा है। ग्राउंड जीरो से लगातार सुभाष गौड़ ने पहाड़ से लेकर मैदान तक नेताओं से ज्यादा रास्ते नापे और खुद वो मेरे साथ भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। खटीमा से लेकर हरिद्वार तक, लालकुआं तक सुभाष गौड़ ने लोगों से बात की। हेमंत लगातार पूर्वांचल के बड़े पत्रकारों में से एक हैं जो लगातार आप तक ग्राउंड जीरो से तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं। पूर्वांचल जहां पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, गोरखपुर, कुशीनगर, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर संकेत मिल रहे हैं कि मुकाबला आमने सामने का नहीं, त्रिकोणीय है। कई सीटें ऐसी हैं, ना सिर्फ पूर्वांचल बल्कि अंबेडकर नगर। हरीश एसवाल जी, जिन्होंने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात को देखा, समझा, स्टूडियो में बैठकर कहानी नहीं, हम ग्राउंड जीरो पर उतरे, आज मैं उसी का जिक्र करूंगा। सबसे पहले हरीश जी आपके पास आऊंगा, 2022 के चुनाव के नतीजे क्या होंगे क्या नहीं, 10 मार्च को ये सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन आपने क्या महसूस किया जरा उसका जिक्र हो जाए और फिर उसके बाद सुभाष और हेमंत जी आपके पास आऊंगा। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पे जाकर जो देखा और समझा, पहले मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, इन सब के मुद्दों पे इलेक्शन कहीं स्टार्ट हुआ था। सभी पार्टियों के ये मुद्दे थे कि हमने कितना विकास किया है, क्या किया है, कितनी शिक्षा पे, और किसने कितना विकास नहीं किया है। फाइनली जब हम लोग लास्ट तक पहुंचे वोटिंग से 2 दिन पहले तक, तो मुद्दा ही पूरा बदला हुआ नजर आया। मुद्दा क्या था, धर्म, जातियां, इनके ऊपर पूरा मुद्दा दिखाई दिया। अनुशासन की कमी तो पूरी थी ही, अनुशासन तो पार्टियों में नजर ही नहीं आया। कहां गया वो कोरोना, ये भी समझ में नहीं आया। इलेक्शन में पता नहीं वो कोरोना कहां चला जाता है, ये समझ में बिल्कुल नहीं आया। रोजगार क्यों उस टाइम पे एक तरह से विलुप्त हो जाता है कि रोजगार की जैसे जरूरत ही नहीं थी कभी, ये मुद्दों की कभी जरूरत ही नहीं थी। और स्वास्थ्य तो ऐसा है, जब कोरोना ही नहीं है तो स्वास्थ्य की कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, ऐसा लगा कि अस्पतालों की तो जरूरत है ही नहीं। तो इस तरह के कई मुद्दे हमने देखे। और अनुशासन सबसे बड़ी बात, किसी भी पार्टी का एक अनुशासन होता है, अब पार्टी के कार्यकर्ता उस अनुशासन को बनाए रखते हैं, वो अनुशासन भी हमें
नहीं नजर आया, तो ये खास मुद्दे रहे हमारे उसमें। लेकिन लेकिन जिस आकलन का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं उत्तराखंड के संदर्भ में ले जाता हूं। कभी हमने सोचा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी चुनाव होगा, वो भी उत्तराखंड में। वही है, पूरा चुनाव जो है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आकर टिक गया कि हरीश रावत जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं। जो उत्तराखंड में जब आप लगातार ये कह रहे थे कि हम एक मुहिम चलाएंगे कि हमने रोजगार को एजेंडा बनाना है। बिल्कुल, हमने मुहिम चलाई भी है लास्ट डे तक, और अभी हम सातवां चरण बाकी है उत्तर प्रदेश में, हम उसी मुहिम पे भी हैं कि आज भी सातवां चरण भी अगर उसी पे आ जाए, रोजगार के ऊपर आ जाए, स्वास्थ्य के ऊपर आ जाए। और हमारा कहना भी यही है कि अगर रोजगार और स्वास्थ्य दो पे इलेक्शन लड़ा जाए तो शायद हमारी समस्याएं 90% सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वो मुद्दा ही गौण था। हाँ, मुद्दा धरातल पे दिखाई नहीं दिया। धरातल पे दिखाई दिया तो जाति के ऊपर। एक किसी ने कहा है, मैं कवि तो बहुत अच्छा नहीं हूँ और कविता के रूप में मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, इन इन पार्टियों ने जो है फूलों को भी धर्म में परिवर्तन कर दिया, फूलों का भी धर्म कर दिया। गेंदे का फूल है तो हिंदुओं का होगा, लिली का फूल है तो मुसलमान का होगा। ये इन्होंने एक बड़ी बखूबी तरीके से इन्होंने उस फूलों को भी धर्म परिवर्तन कर डाला कि भैया ये तुम्हारा है, ये मेरा है। फलों का भी कर दिया, फल भी इसी तरह से हो गए। एक बचा है तरबूज, बेचारा जो परेशान है, जो मैंने देखा जो बाहर से हरा है और अंदर से लाल है, इसका भी बंटवारा होना। अब इसका बंटवारा होना चाहिए। तरबूज परेशान है कि मैं किस तरफ जाऊं, मैं मुसलमान का हूं कि हिंदू का, अंदर से तो मैं हिंदू हूं और बाहर से मैं मुसलमान हूं। नहीं, रंगों की सियासत भी हमने देखी। हाँ, और मेरे सहयोगी पीसीआर में सुमित हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो जो कल रंगों वाली तस्वीर थी उसका जिक्र भी हम करेंगे। जब डीएम के आवास के रंग बदल रहे थे, डीएम के आवास के बोर्ड के रंग बदल रहे थे, अगर वो तस्वीरें हम कल वाली दिखा पाए तो वो दिखाइएगा सुमित, जिसका हमने जिक्र भी कल किया था और ये कहा था कि डीएम के आवास की बकायदा जो बोर्ड की तस्वीरें हैं वो भी अब बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये अनुशासन का जिक्र आपने किया था हरीश जी, ये अनुशासन देखिए क्या जबरदस्त अनुशासन है। पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे हैं, मत करिए भाई, मान जाइए, अनुशासन में रहिए, और पुलिस वाले खुद पुलिस वालों का जो है लाठीचार्ज हो रहा है। इसमें मैं बोलूं कि पब्लिक द्वारा पुलिस पर लाठीचार्ज, मतलब लाठीचार्ज हुआ है पुलिस पे, पब्लिक द्वारा लाठीचार्ज हुआ है, और इसमें सपा पार्टी वाले अनुशासन तोड़ते हुए खूब अच्छे से नजर आए। पूर्वांचल में भी हमने ये कई जगह देखा और यहाँ पर भी सपा पार्टी वाले अनुशासन तोड़ते हुए नजर आए। ये तस्वीरें वाकई हैरान कर रही थी। और एक और जिक्र, जो खलीलाबाद जब आप और हम पहुंचे थे वहां पर भी कुछ ऐसी नजारा देखने को मिला था और बोला कि तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा पुलिस वाले। बिल्कुल, एक आम कार्यकर्ता एक सीओ को कहता है कि मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, तो सोचिए कि उसकी कितनी कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया कि अगर बाई चांस उसकी सरकार आ गई तो उसका मनोबल कितना बढ़ जाएगा। और हमारे हेमंत जी भी वहां पर थे और हेमंत जी ने भी वहां पर देखा कि किस तरह का अनुशासन वहां पर दिखाई दिया। तो मतलब इसी तरह से रंगों की बात हो रही थी, शिक्षा की बात तो कहीं विलुप्त ही हो गई और रोजगार तो कहीं रहा ही नहीं, जरूरत ही नहीं लगी रोजगार की। अब तो ऐसा लग रहा है कि रोजगार अब कहीं पे है ही नहीं, चाहिए ही नहीं किसी को। तो यानी तमाम रंग देखने को हमें मिले कि आखिरकार किस तरह से इस चुनाव को लड़ा गया। चुनाव लड़ा अभी भी जा रहा है, मगर ये चुनाव किस दिशा की ओर जा रहा है और नतीजे क्या होंगे इसको लेकर आकलन हर चैनल में हो रहा है। लेकिन पहले मैं पूर्वांचल का जिक्र हेमंत जी आपसे करना चाहूंगा, फिर मैं सुभाष के पास उत्तराखंड की ओर कूच करूंगा। लेकिन पूर्वांचल महत्वपूर्ण है सियासत के लिहाज से और आज एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। गोरखपुर भी है और बनारस में आज तो मोदी जी पूरी तरह से छाए हुए हैं। लेकिन एक बात हेमंत जी, आपने क्या देखा 2017, 2019 और 2022 का चुनाव, कितना बदलाव देखा आपने? जी तिलक जी, आपने देखा होगा कि पूर्वांचल का जो मुद्दा था वो हर जगह कुछ अलग देखने को मिला है। कोई बेरोजगारी का मुद्दा दिखा, ना कोई कोरोना का असर दिखा और ना यहाँ दिखा, यहाँ जातिगत समीकरण चढ़कर बोलते नजर आए। और अगर पार्टी की बात करें तो किसी भी पार्टी में अनुशासन देखने को नहीं मिला और इसका शायद यही वजह है कि पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को बेलगाम छोड़ती हैं और उनका उत्साह बढ़ाती हैं और शायद यही कारण है कि राजनीति के अखाड़े में और इस तरह के वाक्य देखने को मिलते हैं और पार्टियों पर इसी वजह से आरोप लगते रहते हैं। तो कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का परिवेश देखने को मिला है पूर्वांचल में छठे चरण में,
वो अपने आप में एक अलग छवि लेकर आया था, और जगहों के जैसे पश्चिम के जो चुनाव थे और उससे पूर्वांचल के चुनाव में नजारा टोटल अलग था, मिजाज अलग था और मतदाताओं का एक नजरिया अलग था वोट देने का। जी तिलक जी, लेकिन हेमंत जी मुझे एक बात बताइएगा, और खास तौर पर जो हमने ग्राउंड पर महसूस किया, जो ग्रामीण क्षेत्र है खास तौर पर जहां पर बीएसपी के वोटरों की अच्छी खासी तादाद है, बीएसपी क्या वाकई पिक्चर से बाहर है या फिर पिक्चर से बाहर रखने की कोशिश की गई है, या अभी भी आपको लगता है कि चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं बीएसपी के परिपेक्ष में भी, और कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने की बात की जा रही है? बिल्कुल तिलक जी, आपने सही कहा, और चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं ऐसा आहट मिल रही है। बीएसपी को हल्के में आंकना ये जो है गलत होगा, और कुछ भी परिणाम बताना अभी जल्दबाजी होगी। बीएसपी ने जो है त्रिकोणीय लड़ाई के संकेत दे दिए हैं, और बीजेपी के जो नेता है जो वो अच्छी तरह से चुनाव लड़े हैं, और उन्होंने चुनाव समीकरण बदलने में उनकी पूरी भूमिका रही है, और अच्छी तरीके से उन्होंने चुनावी समीकरण, यानी आप ये ना अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे ये समझा रहे हैं कि नतीजे भले ही टीवी चैनलों की डिबेट्स में सपा वर्सेस बीजेपी की लड़ाई दिखाई दे रही है, कई जगह बीएसपी भी प्रभाव डालेगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तिलक जी आपने, और बीजेपी जो है समीकरण सबसे बदलती नजर आ रही है। बीएसपी ऐसा नहीं है कि ग्राउंड जीरो पे कमजोरी से लड़ी है, उसके चुनाव छठे चरण का जो हुआ है उसमें हमने देखे हैं जहां बीएसपी लड़ रही है अच्छी जो है फाइट दे रही है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी धरातल पे लड़ती नजर आई है, और वही ओबीसी का जो गठबंधन है 30 पार्टी से उसने भी जो है वोट काटने की पूरी जो है कोशिश की है। तो कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं समाजवादी पार्टी को चौकन्ना रहने की जरूरत है, समाजवादी पार्टी को प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि पूर्वांचल का मैं जिक्र करूं तो भले ही घाट घाट पर भाषा बदलती है और खास तौर पर पानी भी बदले, लेकिन यहाँ पर नेता भी बदलते हैं, जातियों के आधार पर भी सियासत वहां पर खूब होती है, और जातियों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका कुशीनगर वाली बेल्ट होती है स्वामी प्रसाद मौर्य के हिसाब से प्रभावित, और फिर उसके बाद निषाद पार्टी और राजभर, ये जो जातीय समीकरण वहां पर है, जो गुलदस्ता है जातियों का जिसे संजोने की कोशिश 2017 और 19 में अमित शाह ने की, आपको दिखाई दे रहा है कि उसका प्रभाव है वहां पर पूर्वांचल में खासतौर पर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तिलक जी आपने, और पूरा जो सियासत है पूर्वांचल की वो जाति समीकरण पे ही लड़ी गई है। आपने देखा होगा कि जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, उन्होंने जब टिकट बंटवारा किया तो उसमें पूर्वांचल में गोरखपुर के आस पास के जो जिले हैं ब्राह्मण चेहरों को काफी तरजीह मिली है टिकट बंटवारे में। उसका कारण यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि योगी के गढ़ में योगी को घेरने की कवायद हुई है, और जो अदर जातियां थी जैसे MY फैक्टर का जो है लेबल लगता आया है समाजवादी पार्टी, उसको उन्होंने धोने की कोशिश की है, और अधिकतर टिकट ब्राह्मण समाज को दिया, मुस्लिम समाज और यादव समाज को टिकट बंटवारे में कम तरजीह मिली थी। तो जैसे संत कबीर नगर में 2 ब्राह्मण चेहरा दिया गया और 1 सुरक्षित सीट थी वहां से जो है राजभर समाज की पार्टी को मिला गया। तो जाति समीकरण हर दल ने साधने की कोशिश की, अब अच्छा। परिणाम क्या आएगा ये अलग की बात है, लेकिन जाति समीकरण पे पूर्वांचल अच्छा, हेमंत जी लड़ा गया है, सभी दलों ने लड़ा है। हेमंत जी आपने एक इसमें दिलचस्प किस्सा भूल गए हैं शायद, आप इसमें एक जो झाड़ू है वही सपा है, जो सपा है वही झाड़ू है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब सोचिए कि किन मुद्दों पे इलेक्शन हुआ, सपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि वो पहले हमारे थे, और वो झाड़ू वाले कहते हैं कि हम उनको समर्थन देने वाले हैं। तो सोचिए कि वोट किसको देने जाएं, कि वो कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सपा के साथ हैं, जब तुम्हारी विचारधारा एक है तो भैया इतना खर्चा क्यों, इतना बवाले जान क्यों? अरे जी सीधा सा सवाल है कि राजनीति में कोई अपना पराया नहीं होता,
पराया तो आपने ठीक कहा, अपना पराया नहीं होता, ये नेताओं का और जनता का है कि ना अपने हैं ना पराये हैं। पर इन लोगों को तो पता है कि ये तो दोनों अपने ही हैं, सब सत्ता के सगे हैं। तो जनता जो वोट देने जा रही है वो किसको देने जाए? वो झाड़ू पे लगाए तो वो सपा में चला जाएगा, सपा पे लगाए तो वो भी झाड़ू का ही है। अच्छा, ये वही जिक्र कर रहे हैं हरीश जी जो संजय सिंह ने कहा था कि भैया हम तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जो है सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो अखिलेश यादव के साथ खड़े होंगे। अच्छा, इसमें दिलचस्प एक और चीज खलीलाबाद के अंदर नजर आई, जो सपा पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कल तक कमल का फूल लेके घूमते थे, अब इनकी विचारधारा अचानक से दो दिन पहले बदल गई, हृदय परिवर्तन हो गया, और अब इनको ये कहते हैं कि सपा बहुत बढ़िया है। तो मतलब जनता की बात हो रही है या सत्ता की बात हो रही है कि सत्ता में बस मुझे कुर्सी मिल जाए किसी भी तरह, चाहे वो कुर्सी किसी भी कलर की हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि हरीश जी की बात है कि सत्ता के लिए कोई तगा नहीं है और कुर्सी के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। और आपको बताएं कि जब भी समीकरण बदलते हैं तो नेताओं के हृदय परिवर्तन हो जाता है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, या हम झाड़ू की बात करते हैं खलीलाबाद विधानसभा सीट पर जब उन्होंने सारे दलों की परिक्रमा की थी, उसके बाद जब टिकट हासिल नहीं हुआ तो अंतिम में जाके वो झाड़ू लेके आए, तो उनका किसी दल से और किसी पार्टी से निष्ठा नहीं है। अच्छा, एक इसमें बहुत बड़ा नाम आप भूल गए हो, जयप्रकाश यादव जी, जो सभी जगह के परिक्रमा करके गणेश परिक्रमा उन्होंने करी है। पहले उन्होंने बसपा की सरकार गिराई, फिर वो सपा में आए, सपा में रहने के बाद उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भिजवाया, फिर उसके बाद वो आजकल झाड़ू का साथ दे रहे हैं रिश्तेदारी में है। हरीश जी, एक कहावत है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे गलतियों का एहसास भी होता है। नहीं, ये तो उनके अंदर बहुत बड़ी बात है। उन्होंने साफ न्यूज वर्ल्ड इंडिया के कैमरे पे माफी मांगी मायावती से, ये वाकई में बड़ी बात थी। हेमंत जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसके लिए हम भी हैरान थे कि कोई शख्स अपने इतिहास को याद करते हुए खुद कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने गलत किया। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं जी। उन्होंने ये हिम्मत है कि मैं बहन जी से माफी मांगता हूँ और मैंने मायावती जी को धोखा दिया और मुझे अखिलेश यादव के परिवार ने मुझे धोखा दिया, तो एक बहुत बड़ी बात है। और राजनीति में जब मोह खत्म हो जाती है, सत्ता और कुर्सी की सत्ता की मलाई की जब लालच खत्म हो जाती है, तब ऐसे बयान नेता देते हैं। और जब तक उनके अंदर स्वार्थ की राजनीति रहती है, सत्ता की मलाई चखने का जो है डर रहता है, तब तक वो अपना हृदय परिवर्तन इसी तरह से करते रहते हैं। उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। हम देख रहे हैं 22 साल से हम पश्चाता कर रहे हैं पूर्वांचल की, और पूर्वांचल में सभी नेताओं ने अपने आदर्श, अपने राजनीतिक विचार और हृदय परिवर्तन सब कुछ बदलना शुरू किया परिस्थितियों के अनुसार। अच्छा, ये हेमंत जी एक मिनट मैं उसी से जोड़कर आ रहा हूँ। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं, सुभाष भी जुड़े हुए हैं। सुभाष, मैं आपके पास आऊँ, लेकिन उससे पहले जब लखनऊ के रास्ते होते हुए उत्तराखंड आएंगे, ये हिमांशु मुझे एक बात बताइएगा, ये खबरें अफवाहें फैल रही हैं कि कई अधिकारी और नेता जो हैं वो अखिलेश यादव को सलाम ठोकने के लिए पहुँच रहे हैं और लोहिया पार्क में सफाइयाँ हो रही हैं, पुताई हो रही है, ये खबर सच्ची है या झूठी है, चल क्या रहा है? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कुछ अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हाँ 174 मध्य विधानसभा के जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जब वो ईवीएम मशीन के पास गए थे जहाँ पे ईवीएम मशीन सुरक्षित रखी गई, वहाँ पे उनकी गाड़ी में प्लास और कुछ चीजें मिली, जिसके उनको रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको चेंज करके ACM 1 को 174 मध्य विधानसभा से रिटर्निंग ऑफिसर घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस तरह की कोई भी खबर अभी नहीं आ रही कि कोई भी अफसर अखिलेश यादव को सल्यूट कर रहा है या सलाम करता नजर आ रहा है। यानी सियासी गलियारों में सिर्फ ये अफवाहें हैं कि लोहिया पार्क की सफाई हो रही है, और जिला कल तो हमने एक तस्वीर भी थी, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से अगर वो तस्वीर मिल जाए, तो कल हमने चलाई थी 8 बजे वो तस्वीर, और उस तस्वीर में ये था कि अखिलेश यादव के आने से पहले अखिलेश यादव आएंगे नहीं आएंगे वो तो जनता तय करेगी, लेकिन DM के कार्यालयों के बोर्ड के रंग बदले जा रहे हैं अयोध्या में। अगर वो तस्वीर मिल जाए सुमित प्ले करिएगा, ये भी तो किससे कई चल रहे हैं सियासत में कि नहीं? बिल्कुल इस तरह की काफी अफवाह भी वायरल हुई, काफी चर्चे भी सुर्खियों में चले कि अखिलेश यादव के आने की बहुत कुछ
लोग अनुमान लगा रहे कि आ रहे हैं। वही मुख्तार अंसारी के लड़के ने भी बयान दिया कि जितने भी सरकारी अफसर है किसी का भी कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, 6 महीने तक वो यही रहेंगे और उन 6 महीनों से इनका पूरा हिसाब पूरा निकाला जाएगा, उसके बाद भी किसी का ट्रांसफर होगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश मुख्तार अंसारी के बेटे भी जो है खुले तौर पर मंच पर जो है हुंकार भर रहे हैं आजकल, खुद जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये मालूम नहीं, उनको मालूम है कि चुनाव जो है पूरी तरह से उनके बयान पर केंद्रित हो जाएगा है, लेकिन फिर भी इस तरह का बयान ये धौस है कि आएंगे सत्ता में तो देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं तानाशाही साफ तौर पर मुख्तार अंसारी के लड़के की देखी गई है, क्योंकि तानाशाही के तहत जिस हिसाब से उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर किसी का भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन 6 महीनों में सभी से हिसाब मांगा जाएगा, कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया है। अच्छा हिमांशु मुझे एक बात बताइएगा, मैं समझना चाह रहा हूँ कि कई VIP सीट्स हैं, ठीक है मुख्तार अंसारी को छोड़िए, राजा भैया भी हैं, और मैं कुशीनगर में अभी जिक्र कर रहा था हेमंत जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य का, राजभर का, निषाद का, संजय निषाद, ये तमाम फैक्टर हैं, कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इस बार चुनाव जो है वो नतीजे हैरान करने वाले होंगे। बिल्कुल, अगर लखनऊ में भी काफी सीटों के नतीजे हैरान करने वाले होंगे, लखनऊ की भी अभी काफी कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ राजनीति के लिए और बदलाव मिलेगा। वहीं अगर अयोध्या की भी बात करें तो अयोध्या में भी अच्छा वोटिंग परसेंट, अभी मैं परसों अयोध्या जिस दिन चुनाव था वहां गया था, मैंने काफी लोगों से बात किया तो लोगों ने सिर्फ साफ तौर पर एक मुद्दा बताया कि राम मंदिर, एक राम मंदिर जो आज तक बती गया उस पर अपना अपना वोट बैंक दे रहा है, साथ ही साथ राम मंदिर बनने से लोगों की आस्था तो बड़ी बड़ी, वहीं लोगों के रोजगार में भी काफी इजाफा हुआ है। नहीं, आपने लोगों से पूछा राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं अयोध्या में या अयोध्या के आसपास? नहीं बिल्कुल, राम मंदिर मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, लेकिन अगर साथ साथ कुछ लोगों का मुद्दा रोजगार को भी लेकर, अगर मुद्दा है एक सेकंड, अगर मुद्दा है और अयोध्या सियासत के केंद्र में आज भी है तो हेमंत फिर मुख्यमंत्री को गोरखपुर क्यों जाना पड़ा? वो तो अयोध्या से चुनाव लड़ते और जीत जाते, और सबसे ज्यादा दौरे जो है गोरखपुर के साथ साथ अयोध्या में किए मुख्यमंत्री जी ने कैंप। हेमंत जी का ऑडियो प्लीज। तिलक जी आपने बहुत सही बात की, अब इस समय मंदिर का मुद्दा नहीं रह गया, इस चुनाव में पूर्वांचल में जो हमने देखा मंदिर का मुद्दा नहीं था, राष्ट्र का मुद्दा जरूर चला है, हमने जिसकी बात की मतदाताओं से हमने जानने की जब कोशिश की तो राष्ट्र के नाम पे उन्होंने वोट जरूर किया है, न महंगाई मुद्दा था न राम मंदिर मुद्दा था, और राम मंदिर अगर मुद्दा इतना चला होता जैसे कि जो है विनय कटिहार जी का जो फायर ब्रांड नेता है, मैंने इंटरव्यू किया था आज से 6 महीने पहले, उन्होंने साफ कहा था कि अयोध्या का मुद्दा तो हल हो गया और अब मथुरा और काशी की बात है। डीएम हमारी तस्वीरें मिल गई, प्ले करिए एक बार सुमित, वो तस्वीरों का जिक्र हम कर रहे थे, मैं वही हिमांशु से, हिमांशु ये देखिए मैं यही जिक्र कर रहा था हरीश जी, ये रंग बदल रहे, पीछे भगवा रंग था और पीछे उसके बाद फिर हरा रंग हो गया, ये अयोध्या जिला अधिकारी के आवास की तस्वीरों का मैं जिक्र कर रहा था, ये बोर्ड का रंग भी बदल गया। अब ये सत्ता परिवर्तन से पहले सत्ता परिवर्तन होगी नहीं होगी, लेकिन अधिकारियों के बदलते मिजाज को लेकर भी तमाम तरह की खबरें, अधिकारियों में डर भी बहुत है अखिलेश के, अगर आने का डर भी बहुत है, पता नहीं क्यों ऐसा है, अखिलेश ने खुलेआम बोला भी है हम देख लेंगे, कई अधिकारियों के नाम लेके बोला है और अधिकारियों में डर बहुत है, जो ये सलाम करने की प्रथा जो शुरू हो रखी है, जो अफवाह है, ये कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, और देखा जा रहा है कि अगर बाई चांस सपा आ गई किसी कारण से तो भैया हम पहले ही माफी वाफी मांग लेते हैं, 6 महीने की जो है जो भी अपनी पोस्टिंग है वो ठीक ठाक से चल जाए, इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब ये जो है मतलब अभी फ्री की एक राजनीति पे आप भूल गए कि फ्री की भी बहुत बड़ी राजनीति हुई जी, है बिल्कुल, फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी राजनीति हुई है, फ्री नमक हलाली, अरे इस तरह की बातें हुई है कि आपने हमारा नमक खाया है, इस तरह की बातें हुई है, मतलब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों ने मोदी का नमक खाया, मोदी का नमक खाया, इस तरह की बातें बोली गई है उसको, मतलब कई मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं करी किसी ने भी, सब लोग इस पे आ गए, फ्री की राजनीति पे आ गए। तो एक एक बड़ा दिलचस्प रहा इसमें कि भाजपा ने मार्च तक का राशन तय करा है फ्री, मार्च के बाद कौन देगा, तो सपा पार्टी बोलते मार्च के बाद अगले 5 साल तक फ्री हम देंगे, तो हमने ये ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से पूछा भी था ये पैसा कहां से आएगा इतना, तो कई पार्टियों का उसमें, एक दो पार्टियां सपा भी थी और इसमें एक पार्टी और थी भीम आर्मी पार्टी, बोलते हमारे देश पे बहुत पैसा है हम फ्री बांट सकते हैं, तो सोचिए जब सोच इस तरह की है
कि हमारे देश पे बहुत पैसा है, तो कुछ टैक्स पेयर जो थे वो बड़े घूर के हमारी तरफ देखने लगे कि भैया ये तो हमारा ही तो पैसा है जो तुम बांटने वाले हो फ्री। 90 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में हो गया तो हम ये कहेंगे कि भैया फ्री ले लीजिए। अब 7 कान यहां से पकड़िए, 7 तारीख को देखना होगा, 7 तारीख को देखना होगा पेट्रोल की कीमतें वही रहती है या एकदम से बढ़ेगी। दावा किया जा रहा है 7 तारीख के बाद 8 तारीख का भी इंतजार नहीं होगा, हो सकता है कि 7 तारीख की शाम को ही पेट्रोल डीजल में आग लग जाए। खैर सुभाष, अब मैं आ रहा हूं पूर्वांचल, पूर्वांचल के बाद लखनऊ और आपके पास उत्तराखंड। सियासी फिजाओं में कुछ ठंडक है या फिर उत्तराखंड में भी आज गर्मी है? क्योंकि यहां तो गर्मी निकाल देंगे। आपने क्या देखा ग्राउंड जीरो पर? तो खूब पसीना बहाया सुभाष आपने, जरा बताइए कुछ चला ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कार्ड चला क्या बीजेपी का कि नहीं? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा लगातार चुनाव के बीच में उठाया गया बीजेपी के जरिए, वो कहीं ना कहीं फैक्टर डालता है राजधानी देहरादून की सीटों पर, हरिद्वार की सीटों पर और उधम सिंह नगर की सीटों पर। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी मूल वाला राज्य के तौर पर देखा जाता है और दो बड़े मंडल, चाहे गढ़वाल मंडल हो या फिर कुमाऊं मंडल, दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र, और इन पहाड़ों में सबसे ज़्यादा जो मुद्दे चलते हैं वो चलते हैं पलायन के, बेरोजगारी के। इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा इस समय था देशभक्ति, क्योंकि ये देखा गया कि पहाड़ के दूर दराज के लोगों में भी देशभक्ति बहुत ज़्यादा नजर आई, वो देशभक्ति बीजेपी के नाम की थी। और यही माना जा सकता है कि तमाम जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो अपने 5 साल के कार्यकालों पर वोट मांगने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे थे, वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट मांग रहे थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देश के नाम पर वोट मांगने की कोशिश उत्तराखंड में की गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक शख्स से, एक सज्जन थे, सुभाष ने बिल्कुल सही कहा, एक सज्जन थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो कह रहे थे कि कल तक तो मामला 50-50 वाला था, कोटद्वार में योगी जी आए तो पूरी कहानी बदल दी। बिल्कुल, ये फैक्टर भी था, ये फैक्टर, मतलब देशभक्ति की जो बात है ना सुभाष, देशभक्ति की बात नेताओं की नहीं थी, उन्होंने देशभक्ति की बात बोला, जनता तुम्हारे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, हमें जिताओ। हाँ। तो उनके अंदर जो देशभक्ति जगाई, जनता के अंदर जगाने की कोशिश की, इनकी देशभक्ति कहीं नहीं है, इनकी देशभक्ति इनकी गद्दी भक्ति है, सत्ता कुल मिला के कोशिश ये थी कि सत्ता पाने के लिए लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी। मैंने कहा कि जो मुद्दे थे, जो मुद्दे होने चाहिए थे, क्योंकि 5 साल बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में रही, 57 विधायकों के साथ वो विधानसभा पहुंचे, डबल इंजन की सरकार उनकी थी, लेकिन वो 4 ऐसे काम नहीं गिना पाए जो राज्य सरकार ने जनता के लिए किए हों, जिससे जनता को फायदा हो। मुख्यमंत्री ने कहा तो था कि नहीं, मैं भिजवा दूंगा तिलक तुम्हें, जो था वो भिजवा दूंगा, वो जब ये माना जा सकता है कि 10 तारीख के बाद शायद वो भिजवा दें, लेकिन जब जनता के बीच वो रखने थी, जब वो मुद्दे जनता के बीच होने चाहिए थे, तब वो मुद्दे गायब थे। अच्छा, और उस समय जो मुद्दे थे, सुभाष एक जिक्र में इसी से जोड़कर जो आप कह रहे हैं, हरीश जी ने कहा कि हम उत्तराखंड में एक मुहिम चलाएंगे रोजगार को लेकर, आंकड़े मांगिए इनसे। मुझे भी हर डिबेट में टोका कि इनसे आंकड़े मांगो, हर नेता से आंकड़े मांगो कि भैया तुमने कितनों को रोजगार दिया। सुभाष आपने भी आंकड़े मांगे, मैंने भी आंकड़े मांगे, चुनाव बीत गया, नतीजे आने वाले हैं, आज तक तो आंकड़े मिले नहीं भैया। और वो जो 8,72,000 के आसपास जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं उत्तराखंड में, वो मुद्दा भी नहीं बन पाया कि नहीं? बिल्कुल, अगर मैं केवल आज की बात ना करूं, जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो तमाम सरकारें कहती कि हम पूरा करेंगे, हम उसको ठीक करेंगे, और ये माना जा सकता है कि उत्तराखंड की जो रीढ़ की हड्डी है वो यही मुद्दे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर मैं कहूँ तो लोकायुक्त का है। हालांकि भाजपा सरकार आने से पहले 2017 के जो मैनोफेस्टो था भाजपा का, उसमें उन्होंने सुभाष लोकायुक्त कहाँ मुद्दा रहा, लोकायुक्त तो गायब हो गया, लोकायुक्त गायब हो गया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गई, अंत में स्वर्गीय रावत जी आ गए, लोकायुक्त के मुद्दे पर तो उनके तो घोषणा पत्र से गायब हो गया मुद्दा, लोकायुक्त तो था ही नहीं घोषणा पत्र में उनके। बिल्कुल, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड की राजनीति में यदि देशभक्ति ना हो तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो आखिरकार रहते क्या हैं। लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता था, और यही वजह थी कि बीजेपी ने 2017 में चुनाव के मैदान में उतरने से पहले अपने घोषणा पत्र में लिखा कि 100 दिन के अंदर उनकी सरकार बनते ही वो लोकायुक्त लाएंगे। हालांकि त्रिवेंद्र सरकार लोकायुक्त बिल को लेकर जरूर आए, लेकिन वो बिल विधानसभा के अंदर ही गायब हो गया, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, विधायक बहुत ज़्यादा उनके पास थे और चाहते तो बिल पास करा सकते थे, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। एक दूसरा मुद्दा बहुत ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं बता देता हूँ।
अब प्रवर समिति के पास मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको मालूम नहीं प्रवर समिति के पास भेजा है, और हमने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि प्रवर समिति के पास भेजा किसने। ये पहली बार था कि सत्ता पक्ष जो है वो प्रवर समिति के पास भेज रहा है कि आप ले लीजिए, और विपक्ष उसका विरोध नहीं कर रहा। ये भी गजब किस्सा है कि नहीं। बिल्कुल वही स्थिति मैंने कहा ना कि 57 विधायक होने के बाद विधानसभा के पटल पर वो बिल रखा गया और पास नहीं हुआ, प्रवर समिति को भेज दिया गया। यानी कि ये साफ था कि इच्छा नहीं थी लोकायुक्त को लाने की, और यही वजह थी कि जो विपक्षी दल थे उन्होंने भी सरकार का साथ दिया। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं मुद्दे आपको बता रहा था कि आखिरकार रीढ़ की हड्डी की तरह उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, यदि देशभक्ति ना हो तो किन मुद्दों को लेकर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर कोई भी दल, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरता। दूसरा मुद्दा होता है पलायन का, कि हम पलायन को रोकेंगे। पलायन आयोग बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड में पलायन नहीं रुका। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में, और बेरोजगारी की वजह से ही उत्तराखंड में पलायन भी होता है। जो दूर दराज के पहाड़ के क्षेत्र हैं वहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और सरकार कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं देती। एक बात मुझे बताइए सुभाष जी, एक मिनट सुभाष जी से मैं पूछ लेता हूँ। सुभाष जी, कल एक बड़ी चर्चा बड़ी गर्म थी उत्तराखंड में कि मुख्यमंत्री ऑफिस में आग लग गई और फाइलों में कुछ हुआ है गड़बड़, ऐसा कुछ सच है क्या? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नहीं, सचिवालय के जो चतुर्थ श्रेणी का कार्यालय जहां मुख्यमंत्री आवास है उसमें एसी में आग लगने की घटना बताई गई, और उसके बाद ये कहा गया कि जो पूरा कार्यालय है उसमें आग लग गई। हालांकि मीडिया को क्योंकि सचिवालय के अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं थी, कुछ तस्वीरें जरूर निकल कर आई, लेकिन गड़बड़ नजर आ रहा है आपको कि अचानक से ये आग भी लग जाती है, सचिवालय में कोई जा भी नहीं सकता, कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा है कि भैया कहीं सरकार नहीं आए तो कुछ काले काले चिट्ठे ना खुल जाएं? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जब तक 10 मार्च को बीजेपी की सरकार नहीं आती है तब तक कहीं ना कहीं डर जरूर बना रहता है। लेकिन क्योंकि ये उत्तराखंड का नियम है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है और एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, और यही वजह है कि जो अधिकारी हैं जिनके कंधों पर सारे काम होते हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए महसूस करते हैं, और इसी वजह से इस तरीके की घटना आए दिनों देखने को भी मिलती है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ये कह दिया गया है कि सभी चीज़ों को ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा, यहाँ तक कि विधानसभा को भी ऑनलाइन तरीके से करने के लिए कह दिया गया सचिवालय को, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी सैकड़ों की तादाद में कहीं फाइलें कागज सचिवालय के अंदर मौजूद होते हैं, और जब ये कहा जा सकता है जाँच रिपोर्टें उन पर बैठती हैं तो आग जैसी घटना होती है, और वो जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो आग के, ये माना जाता है कि आग आग में जल गए, तो इस तरीके से जांच को छुपाने की कोशिश की जाती है। बदलाव की बदलाव देखना देख रही है कि कुछ ना कुछ बदलाव होने के संकेत उनको नजर आ रहे हैं, करंट जो नजर आ रहा है उनको। बिल्कुल, अधिकारियों में बहुत ज़्यादा डर का स्थिति रहती है, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल उत्तराखंड का तो नियम रहा है, एक बार बीजेपी की सरकार रहती है, एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है, तो बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल तो अधिकारियों ने देख लिए, लेकिन शायद उन्हें लग रहा है कि कहीं कांग्रेस की सरकार ना आ जाए, और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाएँ अनुमम होती हैं, और यही वजह है कि सचिवालय जो कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि मुख्य अधिकारियों का क्षेत्र है जहां से सभी चीजें संचालित होती हैं, अभी देश के लिए विकास कार्य हैं। बहुत कम इजाजत दे रहा है, लेकिन मैं हेमंत जी को लाना चाहूंगा। मैं एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करना चाहूंगा सबसे, ये मत प्रतिशत वाला जो फंडा है, हेमंत जी जरा समझाइए। मैं इस बात से जोड़कर देख रहा हूं कि अब तक लगभग 53% के आसपास मतदान हुआ है, ओवरऑल बात करूं, और इसके साथ साथ उन ग्रामीण इलाकों में, ठीक है लखनऊ और मेट्रो सिटीज के आसपास का आकलन अभी मैं हिमांशु से करूंगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में माना जाता था, ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर फ्री राशन वाला जो फॉर्मूला है वो बीजेपी का चलेगा और वो वोटर बाहर निकल के वोट डालेगा, लेकिन ये कम वोट प्रतिशत क्या संकेत दे रहा है, और वो भी तब जब 15 करोड़ के आसपास फ्री राशन देने का दावा सरकार की तरफ से किया जाता है, भले इसका आंकड़ा कम हो, ये कम वोटिंग क्या संकेत देता है? जी बिल्कुल तिलक जी, आपने सही कहा कि कोई मुद्दा इस तरह का नहीं चला है, और जो कम वोटिंग प्रतिशत हुई है वो दर्शाती है कि राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है, और इस बार के पहले के चुनाव जो थे और अब के चुनाव जो है 2022 के चुनाव ने साफ संकेत दे दिया है कि राजनीतिक स्तर इतना गिरा है नेताओं का, परिवार में फूट हो गई है। अभी बीजेपी की अगर हम बात करें
तो स्वाति सिंह का मामला देख लीजिए, पति पत्नी के रिश्तों में दरार कुर्सी के लिए आ गई है। शायद यही वजह है कि अब जनता का भी इंटरेस्ट चुनाव में नेताओं को के चेयर में नहीं रह गया है। तो कुल मिला जुला कर मतदाता कम निकले हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था। और जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं फ्री राशन का, वो निचले तबके के जो वोटर है उनके अंदर जहन में ये बात रही है और वो उसी मुद्दे पर करने निकले हैं। लेकिन जो जो बड़ी बात की हम आपसे कहें कि 2022 के चुनाव में जो देखने को मिला है, राजनीति का स्तर जो है बहुत नीचे चला गया है और उसी तरह से समाज भी नेताओं को देख रहा है जिससे उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो फ्री राशन का मुद्दा है वो भी चला है और नीचे ये फ्री की सियासत लगता है आपको रही चली है, ये सब फ्री, सब कुछ फ्री, देखो अपना जो चाहिए वो फ्री। जनता की सियासत में राजनीति हुई है। 2022 का जो इलेक्शन है तिलकी वो फ्री के मामले पर मुद्दे पर सभी पार्टियों ने फ्री करके जो है उगाने की कोशिश की है। इसमें हेमंत जी, इसमें जनता भी बड़ी जागरूक हो गई है, बड़ी स्मार्ट भी हो गई है। उन्होंने फ्री सबसे बोल दिया कि तुम भी फ्री दे दो, तुम भी फ्री दे दो, वोट तो हमें ही देना है। तो इस बारी कुछ स्मार्टनेस मुझे दिख रही है जनता के बीच में कि वो वोट तो उसी को देंगे जिसको वो पसंद करते हैं और फ्री में सबसे ले लेंगे। इस बारी उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई है और दिखानी भी चाहिए। नेता ही स्मार्ट नहीं, जनता को भी स्मार्ट होना चाहिए, वरना नेता इसी तरह से रंगों में बांट के रख देंगे। हरा रंग मुसलमान का और गुलाब, ये केसरी रंग हिंदू का, फूलों को बांट दिया, पत्तियों को बांट दिया, सबको बांट दिया। आपने तो फ्री के नाम पर वोट तो नहीं दिया ना? नहीं नहीं नहीं, फ्री के नाम पे तो हमारे को तो फ्री कुछ मिलता ही नहीं ना, हमें तो कहाँ फ्री है ना। तो बोलते है ना कि नेताओं ने रंगों में जब बांट दिया सबको, तो अब पेड़ पौधे रह गए हैं हेमंत जी, पेड़ रह गए हैं जो हरे हरे रंग के हैं वो शायद मुसलमानों के हो जाएंगे और उनमें फूल जो है वो हिंदुओं के हो जाएंगे। इस तरह का कुछ चलेगा आगे अगले 5 सालों में, मतलब गुलाब हिंदू का हो जाएगा, बकरा मुसलमानों का हो जाएगा और गाय माता हिंदुओं की हो जाएगी। हरी जी मैं बोलना चाहूंगा कि सियासतदानों ने कोई असर छोड़ा नहीं है कि कहां नीचे तक जाकर वो राजनीति कर सकते हैं। निचले स्तर तक वो गिरा सकते हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कोई भी चीज ये बेच सकते हैं, फ्री बेच सकते हैं, पेड़ बेच सकते हैं, फूल बेच सकते हैं, रंग बेच सकते हैं। मैं मैं इशारों में बात कर सकता हूँ हेमंत जी, आप समझ जाएंगे मेरा इशारा। एक ही चीज फ्री रह गई है, उन्होंने उसका जुगाड़ नहीं किया है। अगर वो भी हो जाए तो वोट भी बिल्कुल फ्री इनको घर से ही मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही चीज रह गई है, अस्तर पे जा सकते हैं और शायद अंदर खाने में वो भी फ्री है। हाँ जी ये सही कहा आपने, लेकिन लेकिन एक बात ये हिमांशु आप जरा समझाइएगा मुझे, फिर मैं सुभाष से पूरा आकलन लूंगा। ये ग्रामीण इलाकों में तो उम्मीद थी कि वोटर बाहर निकल कर आएगा, कहते हैं ना वोट की कीमत अमीर की भी उतनी गरीब की भी उतनी, अमीर और गरीब वोट की कीमत एक है सबके। लेकिन माना यह जाता है जब कर्तव्य निभाना हो तो वही गरीब वोटर बाहर निकलता है। हम जैसे वोटर जो होते हैं जो नारे लगाते कि 100% मतदान होना चाहिए, पहले वोटिंग और फिर जलपान, इस तरह के नारे लगते हैं। लेकिन लखनऊ जैसे मेट्रो सिटी में वहां पर भी वोटिंग कम देखी गई, क्यों और कहां असर डाला? बिल्कुल अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो 2017 की अपेक्षा इस बार प्रतिशत कहीं ना कहीं गिरा है। जाहिर सी बात है प्रतिशत में काफी ज्यादा गिरावट है, जिससे यह नहीं कह सकते कि किस पार्टी की लहर है या कौन सी पार्टी जीतेगी। अगर वही बात प्रतिशत की जाए तो कहीं ना कहीं तहरी काफी नारेबाजी हुई थी कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन जब प्रतिशत आखिरी में शाम को 6 बजे मतदान प्रतिशत क्लोज हुआ तो कहीं ना कहीं राजधानी की बात करें या राजधानी के आसपास के इलाकों की बात करें सभी जगह लगभग 57-58% ओवरऑल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रतिशत में काफी गिरावट रही है। इसमें एक बहुत बड़ी कमी आई है बीएलओ की, क्योंकि जो जिंदा वोटर है उनकी कहीं ना कहीं पर्चियां नहीं थी, लेकिन जो वोटर मर चुके हैं या जो वोटर उनकी पर्ची नहीं है, जो मकान खाली कर चुके हैं, दूसरे मोहल्ले में जा चुके हैं, उनके वोटरों की पर्ची थी, लेकिन जो मोहल्ले मौजूदा रह रहे हैं या जो जिंदा है या जो युवा जोड़ चुके हैं, नहीं तो फिर वो कौन सा वोटर है जो वोट डाल के आया? नहीं मैं यही जानना चाह रहा था कि वो कौन सा वोटर है, क्या वो जो फ्री का राशन वाला वोटर है वो डाल के आया, या फिर जो कैडर वोटर है, क्योंकि माना यह जाता है कि बीजेपी पन्ना प्रमुख बना के चुनाव लड़ती है जिसका काम यही होता है कि घर से लाकर अपने कैडर को वोट डलवाओ। कुछ दिखा आपको?
बिल्कुल कैदर वोटर भी था, लेकिन कहीं ना कहीं फ्री राशन की भी बात है। फ्री राशन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूती से विकास के मुद्दे और फ्री के राशन के साथ लड़ रही है तो कहीं ना कहीं अपने काम को भुनाना चाहती है। इतनी जो मेहनत उन्होंने करी है उसकी आवश्यकता नहीं थी कहीं ना कहीं बीजेपी को, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने मेहनत की है और कहीं ना कहीं अगर यूपी की बात करें तो यूपी में एक खेमा बीजेपी का उत्तर प्रदेश में बसा हुआ है, वो बहुत कायदे से बसा हुआ है। वहीं अगर बीजेपी अपने कामों राशन को लेकर के कहीं ना कहीं भुना रही है, और कहीं ना कहीं फ्री राशन भी कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव में देखा गया है। हिमांशु, जो कम प्रतिशत वोट हुआ है इसका नुकसान किस पार्टी को? मेरे हिसाब से तो बीजेपी को होने वाला है, इसका नुकसान जो है बीजेपी को होने वाला है इसका कम प्रतिशत का। बिल्कुल नहीं, इसको साफ तौर पर कुछ नहीं कह सकते, दोनों ही पार्टी को नुकसान है, क्योंकि लहर जिस समय अगर प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ता तो कहीं ना कहीं बीजेपी के परखाने में जीत जाती दिख रही थी, लेकिन अब वोट प्रतिशत में काफी गिरावट देखने को मिली है। तो कुछ भी नहीं कहते थे किसी की पार्टी की सरकार बनाई जा सकती है, ऐसा भी कोई भी अनुमान नहीं लगाया जाता था किस पार्टी की जीत खेमे में है, किसके पाले में खेमे और किसके सर पर तार सजेगा। ये तो देखने वाली बात होगी 10 मार्च की कौन विजय प्राप्त होता है, कौन लखनऊ की विधानसभा में जाकर अपना परचम लहरा के बैठता है। ये सुभाष जरा आकलन जल्दी से आप भी बताइए, वोट प्रतिशत का जो कहानी है, जो पहली है, सस्पेंस बना हुआ है, उत्तराखंड में किस तरह का है हालात वहां पर? क्योंकि जो वोट प्रतिशत की उम्मीद बीजेपी को थी, अब की बार 60 पार के नारे के हिसाब से लगभग 50% आपको वोट चाहिए, 45-50%, लेकिन यहां वोट के अंक गणित क्या संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल, जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर 2002 के चुनाव के बाद 2007 में फिर वोट प्रतिशत बढ़ा था, 2012 में फिर वोट प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव हुए उसमें वोट प्रतिशत घटा उत्तराखंड में, क्योंकि 2002 से लेकर 2012 तक वोट प्रतिशत ज़रूर बढ़ा लेकिन 17 में फिर घटा, और अब ये माना जा सकता है 2022 में जिस तरीके से फिर से थोड़ा बहुत वोट परसेंट घटा है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो जनता है वो या तो वोट देने नहीं पहुंची, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो नौकरियों के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं, चाहे वो पहाड़ का व्यक्ति हो तो राजधानी देहरादून आता है, हरिद्वार आता है, उधम सिंह नगर आता है, या फिर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जैसे सिटीज़ में जाता है, और जिस समय मतदान होता है तो वो अपने घर नहीं पहुंच पाता है। इसमें मैं एक बड़ी कमी मानता हूं कि जिस प्रकार से करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, उनके लिए प्रचार के लिए कि आपका मत बहुत ज़रूरी है, आपको मतदान करना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी, और सबसे बड़ी चीज़ मुहिम भी छेड़ी, बड़े बड़े नेताओं ने मुहिम भी छेड़ी उत्तराखंड में, अनिल बलूनी ने कि भैया मैं अपने घर में जाके वोट दूंगा, कुछ मुहिम का नाम भी दिया था। वोट प्रतिशत की कमी क्या बीजेपी के लिए खतरा है? ये तो कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों में जिस तरीके से लोगों ने वोट किया है वो देशभक्ति के नाम पर वोट किया है, और ज़्यादातर अगर हम लोगों से आज भी बात करने की कोशिश करते हैं तो ये ज़रूर है कि जो बीजेपी का मूल वोटर है, जो बीजेपी को वोट देता है, वो बीजेपी के अलावा कभी किसी दूसरी पार्टी की तरफ अपना रुख नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कांग्रेस का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लगभग 40% वोटर ऐसा जरूर है कि केवल कांग्रेस को वोट करता है उत्तराखंड में, लेकिन लगभग 60% वोटर ऐसा है कांग्रेस का जो नए दलों पर भी चला जाता है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गई तो शायद आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर ले, निर्दलियों की तरफ रुख कर ले, लेकिन बीजेपी का जो वोटर है। वक्त जो है हमें इजाज़त नहीं दे रहा, और यही पॉलिटिकल किस्से जो कि ग्राउंड जीरो पर हम लोगों ने देखा, समझा और महसूस किया, वही हमने जनता के सामने रख दिया, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होके। हेमंत जी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर थे, सुभाष आप ग्राउंड जीरो पर थे, हम लोगों ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाके उन हालात का जायजा लिया जिस आधार पर वोटिंग हो रही है, वही हमने आप लोगों के सामने रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका भी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका भी, हेमंत जी आपका भी, और सुभाष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सियासत है और सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। अब 10 मार्च को नतीजे आएंगे, होगा क्या, लेकिन होगा कुछ अलग, ये तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।